नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। आज हम शुरुआत करेंगे पॉजिटिव खबरों से, आत्मनिर्भर भारत की पॉजिटिव खबरों से। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि जुलाई महीने में, जी हाँ, अभी जो जुलाई महीना बीता है 2020 का, उसमें सिर्फ और सिर्फ 50 लाख वेतन भोगी लोगों की नौकरियां गई। अप्रैल से यह आंकड़ा जोड़ लीजिए तो यह बैठता है करीब 1,89,00,000 लोगों की नौकरी जाने का। और यह आंकड़ा हमारा आपका आंकड़ा नहीं है, यह आंकड़ा है CMIE का, यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का। यह आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की कहानी कहता है जिन्हें हर महीने एक निश्चित आय मिलती थी, वेतन मिलता था। यह दिहाड़ी मजदूरों की कहानी नहीं है, यह उन लोगों की कहानी नहीं है जो ठेके पर काम करते हैं, अस्थाई कर्मचारी हैं। ये वे लोग हैं जो सैलरीड लोग माने जाते हैं। इनके बारे में जो कहानी सामने आ रही है, हर महीने का जो आंकड़ा है, कम से कम कोरोना लॉकडाउन के बाद से, वह बता रहा है कि अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से रसातल में जा रही है। और हम लोकल को वोकल कर रहे हैं, मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड की ओर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वैसे भी आत्मनिर्भर का नारा देने के बाद से इस देश में धन की कमी होने का सवाल ही नहीं उठता, है ना? धन की वर्षा हो रही है। आप देखिए, एक के बाद एक जिस तरह के सौदे हो रहे हैं, जिस तरह का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कुछ चुनिंदा कंपनियों में ही सही, उससे पता चलता है कि बहुत संभावनाएं हैं, अपार संभावनाओं वाला देश है। और खास तौर से अभी देखिए, जो पीएम केयर्स फंड के बारे में जानकारी बहुत मुश्किल से ही सही सामने आई है, मिली है, उससे पता चलता है कि ये बेचारे जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, जो PSUs हैं, ये कितने ही तबाह क्यों ना हो, कितने ही कंगाल क्यों ना हो, भाजपा सांसद, भाजपा के मंत्री इन्हें बर्बाद कहने वाले हो, लेकिन जब डोनेशन की बात आती है, CSR फंड की बात आती है, तो किस तरह से यह करोड़ों में दान देते हैं। पीएम केयर्स फंड में 38 PSUs ने 2,105 करोड़ रुपए का दान दिया है, डोनेशन दिया है। लेकिन अगर हम और आप जानना चाहें कि पीएम केयर्स फंड में जो पैसा जमा हुआ है, उसका सरकार क्या कर रही है, कैसे खर्च कर रही है, तो नहीं जान सकते। इस बारे में जो खबर प्रकाशित हुई है इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने पीएमओ का जवाब भी इसमें छापा है, जिसके हिसाब से उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पीएम केयर्स फंड कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, कोई सार्वजनिक चीज नहीं है जिसके बारे में हम और आप जान सकें। यह अलग बात है कि जो PSUs पैसा दे रहे हैं, वह करदाताओं का पैसा है, यानी हमारा और आपका पैसा, जो बिना हमसे पूछे दे तो दिया गया, लेकिन जब हम जानना चाहते हैं कि वह खर्च कहां हुआ, यह जानना हमारा और आपका हक नहीं है। तभी तो देखिए, सही ही कहा जाता है ना कि नया भारत है, नया विधान है। यहां पुराने नियमों से, पुराने सूचना के अधिकार से बात बनेगी नहीं। धन किसी का भी हो, खर्च कहीं भी हो रहा हो, देश की जनता यह जानकर करेगी तो क्या करेगी भला? इस तेजी से बदलते भारत के विधान में हमें दिखाई देता है प्रशांत भूषण का मामला। प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, लंबे समय से अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे हुक्मरान कोई भी हो, आवाज उठाते रहे हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया है, उन्हें दोषी करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने के लिए। यहां पर मामला ट्वीट का है, उन्होंने ट्वीट किया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वह सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के खिलाफ है। इन तमाम चीजों पर देश भर में बहस हो रही है। 20 तारीख को, यानी कल, उन्हें सजा सुनाई जाएगी, दोषी वह करार दे दिए गए हैं। सजा क्या होगी, सवाल इसका नहीं है। सवाल यहां पर यह उठाया जा रहा है कि क्या
किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ किसी भी तरह का ट्वीट करना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और इसके खिलाफ देश भर से ही नहीं पूरी दुनिया से लोग सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम प्रशांत भूषण के साथ खड़े हैं, क्योंकि मामला सिर्फ अकेले प्रशांत भूषण का, उनके ट्वीट का नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी का है, लोकतंत्र का है। आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आगे आए हैं, उन्होंने अपनी एकजुटता जाहिर की है। देश के बाहर भी अनेक राज्य देशों से यही मांग उठ रही है। पिछले दिनों अमेरिका में भी इसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, वहां पर भी प्रशांत भूषण के पक्ष में लोग उतरे। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि प्रशांत भूषण जो सवाल उठा रहे हैं वह देश के लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई संगठन शामिल हुए, जिसमें अंबेडकरवादी संगठन है, फासीवादी जो प्रवृत्तियां हैं उसके खिलाफ काम करने वाले अमेरिका में बसे भारतीय नागरिक हैं, तमाम लोग हर तरफ से मांग एक ही कर रहे हैं। होगा क्या इन मांग का, यह अलग बात है। बहुत से लोग यह भी कह रहे हैं कि ऐसी मांग उठाने से फायदा क्या, क्योंकि उन्हें पता है कि अंजाम क्या होगा। लेकिन हमें लगता है कि यह मांग उठाई जानी बहुत जरूरी है, क्योंकि विरोध भी दर्ज होना लोकतंत्र की बुनियादी नींव है। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली से एक और युवा पत्रकार को उत्तर प्रदेश पुलिस उठा ले गई, प्रशांत कनौजिया। जी हां, आपने नाम सुना होगा, पिछले साल जून में भी उन्हें एक ट्वीट की वजह से गिरफ्तार किया गया था। बहुत मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और उन्हें उस समय रिहाई मिल पाई थी। इस समय भी उनके एक ट्वीट को आधार बनाया। बहुत दिलचस्प सीन है उत्तर प्रदेश का। एक ट्वीट पत्रकार यहां पर करता है, उत्तर प्रदेश की पुलिस सारा काम छोड़कर यहां आती है, उस ट्वीट के आधार पर उसे गिरफ्तार करती है और बताती है कि उनका यह ट्वीट जो राम जन्मभूमि से संबंधित है, वहां जो मंदिर निर्माण काम शुरू हो रहा है उससे संबंधित है, जिसके बारे में उनके परिजनों का, उनकी पत्नी का कहना है कि यह ट्वीट उनका नहीं है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ट्वीट के आधार पर जिस तरह से प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी हुई, यह गंभीर सवाल उठाता है पत्रकारिता के पूरे परिदृश्य पे। प्रशांत क्या कर रहे थे? कारवां पत्रिका के पत्रकार दिल्ली में क्या कर रहे थे? आप देखिए दोनों घटनाएं। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि दिल्ली, देश की राजधानी में, कारवां पत्रिका के तीन पत्रकार दिल्ली के एक इलाके में गए, वहां ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे और उनके ऊपर हमला होता है। जो लड़की है उनके ऊपर अभद्र अश्लील गालियां दी जाती हैं, उन्हें सेक्सुअली हैरेस किया जाता है। लेकिन देखिए यहां पर जो मोलेस्टर्स हैं, जो हिंसा करने वाले हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, FIR तक दिल्ली पुलिस नहीं करती। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वह इतनी तेज है कि वह सुदीक्षा के हत्यारों को तो नहीं पकड़ पाती, वह 12 साल की जो नाबालिग बच्ची के साथ भीषण अपराध होता है उसे नहीं पकड़ पाती, लेकिन प्रशांत कनौजिया को पकड़ने के लिए पहुंच जाती है, उन्हें पकड़ती है, ले जाती है। और इस बारे में हमने बात की पत्रकार नेहा दीक्षित से, जो इस मामले को लगातार देख रही हैं। नेहा दीक्षित खुद सत्ता से टकराती हुई स्टोरीज कर चुकी हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा चुकी हैं। आइए सुनते हैं नेहा क्या कह रही हैं। न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है नेहा। आप खुद बहुत तकलीफ पैदा करने वाली स्टोरीज कर चुकी हैं, सत्ता के निशाने पर रही हैं। अभी जो हाल चल रहा है, खासतौर से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी हुई है, उन्हें दोबारा उत्तर प्रदेश पुलिस उठाकर ले गई है, ये पूरे परिदृश्य को, सीन को आप कैसे देखती हैं और क्यों निशाने पर लिया जा रहा है तमाम पत्रकारों को, और खासतौर से इस समय हम बात कर रहे हैं प्रशांत की? थैंक यू भाषा। जिस तरीके से प्रशांत को उठाया गया है, ये एक पैटर्न है जो चलता आ रहा है काफी सालों से।
और अभी लॉकडाउन के दौरान वो चीज़ और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। हालांकि प्रशांत को पिछले साल एक साल हुआ है, उनको पिछले साल भी इसी ट्वीट करने की वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने उठाया था, उनको लेके गए थे, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनको रिहा किया जाए, मगर ये दोबारा ये चीज़ ये हो रही है। बात दो तीन चीज़ें बहुत नोट करने वाली है उन पे, जैसे उनको पहली चीज़ कि उनके घर पे यूपी पुलिस आई और उन्होंने कहा कि कोई ट्वीट का मामला है और उनको बिना वारंट दिखाए बिना कुछ प्रोटोकॉल फॉलो किए उठा लिया गया। उसके बाद जो कि ऑब्वियसली गैर कानूनी है, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है, उसके साथ साथ जो उनको दिखाया गया है कि जो ट्वीट्स उन्होंने करी है, उनके घर वालों का कहना है कि वो स्क्रीनशॉट्स फोटोशॉप किए गए हैं, उनके नाम पे लगाए गए हैं, उनकी कोई तफ्तीश नहीं हुई है कि प्रशांत ने ही किया गया है, जिसके खिलाफ ये ट्वीट्स दिखाई गई हैं और जिनके कहने पर ये FIR सिर्फ एक दिन पहले फाइल हुई है, वो खुद एक बहुत ही रेडिकल हिंदुत्व लीडर अपने आप को बताते हैं, जो बहुत ही ज्यादा कम्युनल और इस्लामोफोबिक बातें कर चुके हैं। उनका फेसबुक पेज अगर कोई देखे तो उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने ऑलरेडी दंगे फैलाने वाली बहुत सारी बातें खुद करी हुई हैं। उसके बावजूद वो 153A प्रशांत पर FIR में लगाया गया है, जो दंगे भड़काने का सेक्शन होता है। तो ये एक बहुत ही क्या कहना चाहिए कि बहुत ही दुख की बात है कि इस तरीके से तोड़ मरोड़ चल रही है, क्योंकि सरकार, यूपी सरकार, कुछ तरीके के एलिमेंट्स को जो उनकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी से मैच खाते हैं, उनके विदिन एक दिन के कहने पे पुलिस लखनऊ से यूपी आके किसी को ट्वीट करने की वजह से उठा लेती है। और वही यूपी पुलिस जब उनके बगल में किसी महिला का रेप होकर, मर्डर होकर, आंखें निकाल कर दिया जाता है, तो कोई एक्शन नहीं होता है। लगातार यूपी से इस तरीके के केसेस आए जा रहे हैं। तो ये यही दिखाता है कि जो भी पत्रकार कोई भी बात अगर कह रहा है या बहुत टाइम से इस सरकार के निशाने पर है, उसको किसी भी बात पे कोई भी नैरेटिव बनाकर उठा लिया जाएगा और उसको चुप कराया जाएगा। और ये संदेश बाकी पत्रकारों को दिया जाएगा कि आप भी चुप रहिए वरना आपके साथ भी यही होगा। और ये जो उत्तर प्रदेश से सही मुझे लगता है कि केंद्र से लेकर नीचे राज्यों तक ये पूरा का पूरा माहौल है, अलग अलग राज्य भी इस तरह से ही काम कर रहे हैं। ये आप सही कह रही है भाषा, ये जो टेम्पलेट बनाई गई है ये ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है और सारे जो राज्य हैं, राज्य सरकार, वो टेम्पलेट को फॉलो कर रहे हैं। पिछले अगर आप 4 महीने में भी देखें, अभी रिपोर्ट आई है कि सिर्फ 4 महीने में 55 रिपोर्टर्स पर या तो फिजिकल अटैक या कोई ना कोई लीगल केस फाइल किया गया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना काम किया है, सिर्फ अपनी ड्यूटी करने पर। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट कई सालों से कर रही है कि उन्होंने नया, पहले भी ऐसा नहीं है कि पत्रकारों पे पहले केस नहीं होते थे, मगर अब जो नया चीज आई है वो पत्रकारों पे क्रिमिनल केस फाइल करने लग गई है ये सरकार। तो बेसिकली पत्रकारिता को क्रिमिनलाइज करने का जो तरीका है, और सरकार का ये भी दिखाना है कि हमसे जुड़े हुए किसी भी ग्रुप, कोई भी आपको पीट सकता है, कोई भी आप पर केस कर सकता है, मगर उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, पत्रकारों का ही नुकसान होगा, इसलिए आप जितना चुप हो सकते हैं चुप हो जाइए। प्रशांत वाले मामले में अभी क्या स्थिति है, कुछ आपको जानकारी मिल पाई है? जो मुझे जानकारी अभी मिली है कि कल लखनऊ के सेशंस कोर्ट में पेशी होगी, वहां पे प्रशांत के वकील भी पहुंचेंगे और वहीं पे सुनवाई होगी कि आगे क्या हो सकता है। तो ये चीज है, मगर ये बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट है भाषा, क्योंकि पिछले साल भी आप देखेंगे कि मणिपुर के एक जर्नलिस्ट जिन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हुए, उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के 4 महीने उनको जेल रखा गया। जी, 4 महीने उनको जेल में रखा गया। अभी कश्मीर के फोटो जर्नलिस्ट पर UAPA लगा दिया गया है। तो ये चीजें जो हो रही है, जी, तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर के केसेस पत्रकारों पे फाइल हो रहे हैं या फिर कि देशद्रोही वाले केसेस जो फाइल हो रहे हैं, ये बहुत ही मुश्किल समय है, क्योंकि एनीवे मेनस्ट्रीम मीडिया जो है वो इतना कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में हो गई है कि वो सरकार की वाही वाही करो या तो आप बचोगे नहीं। उसमें जो भी कोई थोड़ी बहुत अपना काम करने की कोशिश कर रहा है, मैं ये भी नहीं कह रही वो प्रतिरोध कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं जो एक पत्रकार को करना चाहिए, वो भी अब मुश्किल हो गया। आज के माहौल में अपना काम, जर्नलिस्टिक वर्क करना भी मुश्किल है, चाहे वो
कारवान पत्रिका के जर्नलिस्ट हों जो ग्राउंड रिपोर्ट करने गए हों, या प्रशांत जो ट्वीट कर रहे हैं या खबरें शेयर कर रहे हैं, तो भी एक क्रिमिनल केस बन रहा है। शुक्रिया नेहा न्यूज क्लिक से बात करने के लिए। ये जो नया भारत का नया विधान बनता जा रहा है, जिसमें बहुत कम गुंजाइश हो गई है सच को जिंदा रखने की, सच को आपके साथ शेयर करने की, हम अभी तक यह काम कर रहे हैं, आपकी मदद से कर रहे हैं, और आपकी मदद से हम इसी तरह से बेखौफ ढंग से सच सामने लाते रहेंगे। देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए न्यूज क्लिक खोज खबर। शुक्रिया। Thank you.